यहाँ के जो केदार बाबा हैं उनकी पूजा 12 महीने होती है, तो शायद यहाँ पे भी कुबेर जी आके कभी ना कभी रहे होंगे। सुबह माता रानी का श्रृंगार होता है और जिस समय श्रृंगार होता है उस समय जो पुजारी भी होते हैं वो अपने आँखों पर पट्टी बांध के सारे लाइट्स ऑफ करने के बाद और कैमरा बंद करने के बाद तब माता रानी का श्रृंगार करते हैं। यहाँ से जो व्यू मेरे को देखने को मिल रहा है वो इतना सुंदर है कि यहाँ से दूर बहुत दूर तक पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। पीछे की तरफ जो आप सामने देख रहे हो ये है अल्मोड़ा। हेलो बैकपैकर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बैकपैक एक्सपेडिशन में। इनसे आउटफिट देख के आपको लग रहा होगा इन्होंने क्या पहना है, तो मैं आपको बता दूं बारिश पड़ रही है बहुत तेज। थोड़ा बारिश से बचने का प्रिकॉशन है क्योंकि हमारे पास गैजेट्स वगैरह भी होते हैं। बस हम यहाँ से चलते हैं जागेश्वर धाम बारिश में और देखते हैं कि हम पहुँच पाते हैं या नहीं। हम लोग निकल पड़े हैं जागेश्वर धाम जाने के लिए। जागेश्वर धाम लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है अल्मोड़ा मेन जो शहर है वहाँ से, और थोड़ा सा आपको अलग हट के जाना पड़ता है राइट साइड में। बारिश आज सुबह से ही हो रही है लेकिन फिर भी हम लोगों ने हिम्मत करने के बाद निकले हम लोग पूरा पैक होके, अच्छे खासा हमने रेनकोट पहना और अंदर दो जैकेट्स पहनी और फिर हम निकल पड़े। लेकिन बारिश बीच में इतनी तेज़ हो गई कि हम लोगों को एक जगह रुकना पड़ा, और अच्छा हुआ एक तरीके से मैं यहाँ रुक गया क्योंकि यहाँ जो ब्यूटी मेरे को देखने को मिल रही है ना, आप लोग देखो कि सामने बादल जो है वो बिल्कुल सामने से आ रहे हैं फेस पे, और अभी कोई टाइम लैप्स नहीं लगाया हुआ मैंने, और आप देखो ये बादल का जो एक तरीके से मूवमेंट है वो पूरा नॉर्मल वीडियो में ही इतना तेज़ दिख रहा है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आने के बाद। और लगभग 20 मिनट हो गए हैं मुझे आए हुए और मेरा यहाँ से उठने का मन नहीं है, जबकि आज का जो हमारा पूरा प्लान है टूर प्लान वो बहुत ज़्यादा टाइटली शेड्यूल्ड है, तो 12 तो यहीं भी हमें बच चुके हैं और यहाँ से भी जागेश्वर अभी 10 किलोमीटर दूर है। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, लेकिन जैसे बारिश अपनी जगह खड़ी हुई है ऐसी हम भी अपने काम पे लगे रहेंगे, आप लोगों को बारिश हो या कुछ भी हो हम लोग जागेश्वर धाम के दर्शन कराएंगे। यहाँ से दूर बहुत दूर तक पहाड़ देखने को मिल रहे हैं। पीछे की तरफ जो आप सामने देख रहे हो ये है अल्मोड़ा, यहीं से हम लोग आए हैं अभी यहाँ तक, और सामने छोटे छोटे गाँव हैं, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, सारे में खेत है, साथ में कुछ बहुत दूर दूर आप देखो छोटे छोटे मंदिर हैं, दूर आप देखो एक वॉल दिख रही है, पता नहीं हो सकता है वो बाउंड्री वॉल हो किसी के खेत की या किसी के घर की, लेकिन वो देखने में ऐसी लग रही है दूर से जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को अगर आप हाइट से देखते हो ना तो वो ऐसी ही लगती है, और बहुत लंबी दूर तक बाउंड्री है ये। ये जो रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ ये लोग अभी होटल रूम की भी फैसिलिटी करने वाले हैं स्टार्ट, इनका प्रीमिसेस रेडी हो रहा है अभी। मैं आपको एग्जैक्ट अगर लोकेशन बताऊँ तो जागेश्वर से 10 किलोमीटर पहले जागेश्वर की रोड पे ही आपको ये राइट हैंड साइड में होटल पड़ जाएगा। अभी तो ये रेस्टोरेंट है लेकिन कुछ दिन बाद जैसा ओनर ने बताया कि ये रूम्स की फैसिलिटी भी अवेलेबल कराने वाले हैं। बारिश तो हो ही रही थी तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, ठंड भी लग रही थी और टू व्हीलर पर चलना अपने आप में बारिश में तो आप लोग समझ ही सकते हो, भले ही हमने रेनकोट डाला हुआ था। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आपको अभी की बताऊँ तो इतने सुंदर वादियों में हम लोग बैठ के चाय का आनंद ले रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक यहाँ, और ये जगह इतनी ज़्यादा मेरे को सुंदर लग रही है कि आप लोग पूछो मत। बस चाय पकौड़ों का हम लोग थोड़ा आनंद लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे जागेश्वर धाम के लिए, और देखते हैं तब तक थोड़ी बारिश भी कम हो जाए, नहीं होती है तो भी हम लोगों को तो चलना ही है। चलिए तब तक चाय को एंजॉय करते हैं। तो आखिरकार बारिश का सामना करते करते हम लोग पहुँचे हैं जागेश्वर में दंडेश्वर महादेव मंदिर में। मेरे साथ मंदिर के पुजारी जी मौजूद हैं। नमस्कार पंडित जी। तो मेरे को आप ये बताइए कि जो दंडेश्वर महादेव मंदिर है यहाँ की कथा क्या है? सर ये 7वीं से 11वीं शती के बीच में बना हुआ मंदिर है, ये कत्यूरी शासकों द्वारा बनाया गया है जो कि हमारे उत्तराखंड के कुमाऊँ के राजा थे। ठीक है। जी यहाँ पर दंडेश्वर नाम इसलिए पड़ा जी कि ये सप्त ऋषि द्वारा शिव जी को जब श्राप दिया गया, दंड दिया गया, तो दंड के रूप में शिव यहाँ पर प्रकट हुए। अच्छा, जी अच्छा। इसलिए इसका नाम दंडेश्वर पड़ गया।
तो जब आप लोग अंदर दर्शन करने जाएंगे तो आपको एक शिवलिंग का हिस्सा दिखाई देगा, जो शिला दिखाई देगी वो शिवजी के लिंग का हिस्सा है। और यहाँ पे कई छोटे छोटे मंदिर और हैं, उसमें भी शिवलिंग के लिंग के जो अलग अलग भाग हैं वो मंदिर है। वो यहाँ पे जो कहानी है कि यहाँ पे सप्तऋषि की जो पत्नियाँ थीं वो यहाँ पे घूमते हुए भ्रमण करते हुए आई थीं। तो यहाँ पे जब भ्रमण करते हुए आई तो शिवजी यहाँ पे तांडव कर रहे थे, तो उस टाइम पर उन्होंने देखा और वो उनको देख के मूर्छित हो गई। तो तभी के तभी यहाँ पे सप्तऋषि जो थे वो आए और हाँ, तो उन्होंने देखा कि एक बालक को देख के वो मूर्छित हो गई उनकी जो पत्नियाँ थी, तो उन्होंने शिवजी को श्राप दिया कि तुम्हारा जो लिंग है वो यहाँ पे उसका पतन हो जाएगा और वो बिखर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे हमको देखने को मिली कि यहाँ की जो अंदर की शिला है वो शिवजी के लिंग का हिस्सा ही, और कुछ मंदिर जो हैं उसमें भी शिवजी के लिंग का हिस्सा है। और यहाँ से 1 किलोमीटर हम लोग आगे जाएंगे जो तो जागेश्वर मंदिर जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। हाँ जी, तो उत्तराखंड में 3 जो हैं ज्योतिर्लिंग मिलते हैं, एक बद्रीनाथ, एक केदारनाथ और एक जागेश्वर में। तो आपने इतनी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो मंदिर है ये बना हुआ है नाग शैली में, और इसी प्रकार से जो जागेश्वर का मंदिर है वो भी नाग शैली में बना हुआ है। मुगल शासन जब आए थे उन्होंने इस मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की है, और उस चीज़ का हमें यहाँ पे साफ एविडेंस दिख जाते हैं। एक यहाँ पे मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं इसके अंदर एक 4 मुखी शिव जी की मूर्ति है, उसे भी खंडित किया हुआ है। सामने की तरफ ये जो पूरा डिज़ाइन बनाया है हिंदू शैली में, इसको भी तोड़ा गया है, ये साफ दिख रहा है। और मुगल्स का जो इम्पैक्ट है वो इस मंदिर तक भी पहुंचा था। जब आप अंदर मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिखेंगी, वो मूर्तियाँ एक्सकेवेशंस में निकली हुई हैं, जिसमें से कि एक नंदी महाराज की मूर्ति है, एक गणेश जी की मूर्ति है और बाकी सब शिवलिंग की मूर्तियाँ हैं। और यहाँ पे ऊपर एक छत्र दिखाई देता है, फिलहाल आज के टाइम में वो लकड़ी का है, लेकिन माना जाता है कि उस टाइम पे ये कॉपर का हुआ करता था। ये जागेश्वर के मंदिर जो हैं अपने आप में वैसे भी बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज अपने आप में रखते हैं, और खूबसूरती के हिसाब से बताऊं तो पूरा जंगल है। साइड में ही ये जो आप नदी देख रहे हैं पीछे, ये है जटागंगा, और यही जटागंगा है जो जागेश्वर धाम जो है उसके साइड में से बहती हुई जा रही है। ये देखो आप मेरे सामने मंदिर दिख रहा है, ये है कुबेर जी का मंदिर। तो आइए वहाँ चल के कुबेर जी के दर्शन करते हैं। तो हम लोगों ने अभी कुबेर भगवान के दर्शन किए। कुबेर भगवान के बारे में मेरे को थोड़ी सी कथा मालूम है कि जो लंका थी वो सोने की लंका जो थी वो रावण की नहीं थी, कुबेर की थी। लेकिन कुबेर के जो पिताजी थे वो रावण उनको बार बार तंग करता था, तो इस वजह से कुबेर के पिताजी ने कहा कि तुम लंका उन्हें दे दो और तुम और कहीं जाओ, हिमालय की तरफ जाओ और वहाँ जाकर रहो। तो शायद यहाँ पर भी कुबेर जी आके कभी ना कभी रहे होंगे। अंदर कुबेर जी का मंदिर है, और जहाँ शिव जी का मंदिर होता है वहाँ ज़्यादातर कुबेर जी का भी आपको मिलेगा। फिलहाल मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो पूरा मंदिर का समूह है, यहाँ पे 15 मंदिर हैं, जिसमें से 1 मंदिर है माता रानी का, 1 मंदिर है कुबेर जी का, और सारे मंदिर हैं शिव जी के। तो एक बहुत ज़्यादा अनूठा अनुभव रहा मेरा आके, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा शांति है, चारों तरफ पेड़ हैं और बीच जंगलों के बीच में ये बना हुआ है। बारिश अब दोबारा पड़ने लगी है, हमें अभी काफ़ी कुछ कवर करना है, तो बस फिलहाल यहाँ से एक बार और भगवान को प्रणाम करके फिर यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं मेन जागेश्वर मंदिर के लिए। दंडेश्वर महाराज से दर्शन करने के बाद हम लोग 1 किलोमीटर आगे आए और वहाँ हम आके पहुँच चुके हैं जागेश्वर धाम में। मैं अभी जस्ट दर्शन करके बाहर निकला हूँ, और यहाँ के बारे में आपको बता दूँ कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत के अन्य अन्य राज्यों में, उसमें से 8वां ज्योतिर्लिंग जो है वो यहाँ पे स्थित है। जब आप लोग अंदर दर्शन के लिए जाएंगे तो अंदर आपको एक पिंडी दिखेगी जो शिव जी और पार्वती का रूप है। फिलहाल उसके ऊपर श्रृंगार हुआ होता, लेकिन उसके आपको अगर दर्शन करने हैं तो आरती से कुछ टाइम पहले उसके आप लोग दर्शन कर सकते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये नंदी और भृंगी हैं, और एक तरीके से द्वारपाल की तरह यहाँ पे भगवान शिव की ये लोग रक्षा करते हैं। इसकी कहानी वही सेम जो दंडेश्वर महाराज से वहाँ से उत्पन्न होती है। ये भी नागा शैली में बना हुआ मंदिर है, और इसका स्थापना भी लगभग 7वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक हुई है। ये भी कलचुरी जो राजाओं की राजा रहे हैं उन्होंने इसका निर्माण कराया है। यहाँ पे टोटल 125 मंदिरों का समूह है, जिसमें से 108 मंदिर जो हैं वो शंकर भगवान के हैं, और बाकी जो हैं एक माता रानी का सिद्ध पीठ यहाँ पर है, और बाकी सारे मंदिर और देवी और देवताओं के हैं।
तो जागेश्वर धाम में पांच मंदिर जो हैं वो मुख्य रूप से अपना बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, जिसमें से सबसे पहला तो है जागेश्वर धाम में जो ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं वो, उसके बाद दक्षिणमुखी हनुमान जी, पुष्टि माता मंदिर जो एक शक्तिपीठ भी है पार्वती माता का, काल भैरव मंदिर, महामृत्युंजय मंदिर, इसके साथ साथ यहाँ पे अन्य मंदिर जो हैं वो हैं केदार बाबा का यहाँ पे शिवलिंग स्थापित है, साथ ही साथ अर्धनारीश्वर रूप में एक यहाँ पेड़ है उसके भी मैं आपको दर्शन कराऊंगा, और इसके अलावा यहाँ पे तांडेश्वर महाराज, सूरज मंदिर, सूर्य मंदिर और साथ साथ नीलकंठ महादेव मंदिर और अन्य मंदिर भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं पुष्टि माता के मंदिर और वहाँ जाके दर्शन करते हैं। तो हमने जस्ट अभी श्री पुष्टि माता के दर्शन किए हैं। यहाँ का मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ तो ये माता पार्वती जी का शक्तिपीठ है और इसमें यहाँ पे माना जाता है कि महिषासुर मर्दिनी जो माता हैं वो यहाँ विराजमान है, और पुष्टि माता नाम ही इसलिए कि आप अगर कोई मनोकामना यहाँ के मांगते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण होती है। अंदर की कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। सुबह माता रानी का श्रृंगार होता है और जिस समय श्रृंगार होता है उस समय जो पुजारी भी होते हैं वो अपने आँखों पर पट्टी बांध के सारे लाइट्स ऑफ करने के बाद और कैमरा बंद करने के बाद तब माता रानी का श्रृंगार करते हैं। दोपहर में भोग लगता है दाल और चावल का, उसके बाद शाम को एक बार फिर से आरती होती है। तो अभी हमने केदार बाबा के भी दर्शन किए। यहाँ के जो केदार बाबा हैं उनकी पूजा 12 महीने होती है, और जो केदारनाथ में केदार बाबा हैं उनकी पूजा होती है 6 महीने, और 6 महीने ऐसा माना जाता है कि बचे हुए 6 महीने उनके गण ऊपर उनकी पूजा करते हैं और नीचे उनकी डोली को नीचे ले आया जाता है ऊखी मठ में। तो ये अंतर है यहाँ के केदार बाबा में और जो केदारनाथ में केदार बाबा हैं। मेरे पीछे जो आप ये पेड़ देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि जो पेड़ है ये अर्धनारीश्वर रूप है शिव जी का, आधी पार्वती हैं और आधे शिव जी हैं। ये पेड़ भी बहुत ही ज़्यादा पुराना है और ये चीज़ आपको और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगी कि जिसका तना एक है और ऊपर से भाग दो हैं पेड़ के। तो अभी तक बहुत अच्छा मेरे को लगा है पूरा जागेश्वर धाम में दर्शन करके। यहाँ पे एक हवन कुंड है जिसको फिलहाल तो कमल डाला हुआ है जिसपे, और अभी वो बंद है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सप्तऋषि जो थे वो वहीं पे हवन किया करते थे। फिलहाल हमने अभी तांडेश्वर महाराज के भी दर्शन किए और साथ ही साथ और अन्य देवी देवताओं के भी दर्शन हम कर ही रहे हैं और आप लोगों को भी करा रहे हैं। और लवकुश जो थे वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी आके यहाँ पे हवन किया था और तपस्या की थी। पूरा मंदिर हम लोगों ने घूम लिया है और साथ में आप लोगों को भी घुमा भी दिया है, दर्शन भी करा दिए हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो पत्थरों के ऊपर पाली भाषा लिखी हुई है वो आज तक कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाया है। मंदिर के प्रांगण से बाहर ही एक म्यूज़ियम भी है जहाँ पे बहुत सारी शिला रखी हैं जिसपे पाली भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ जो यहाँ का मुख्य द्वार है जो पीछे पट देख रहे हो ये भी 8th सेंचुरी का है और काफ़ी ज़्यादा पुराना है। और एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे एक जो मेन मुख्य द्वार होता था वो बड़ के पेड़ से बना हुआ था और वो आज के टाइम में दिल्ली में एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। तो आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, आज के दर्शन कैसे लगे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, वीडियो को शेयर करके और लाइक करके। तो आज के लिए आप लोगों को मैं यहीं पे बाय कर रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और बने रहें अपने चैनल बैकपैक एक्सपेडिशन के साथ।